तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था, फर्टिलाइजेशन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। अब आज बेसिकली मुझे पूरा फर्टिलाइजेशन का जो कल मैंने कहानी सुनाया था उस कहानी से को रिलेट करके पूरा फर्टिलाइजेशन को पढ़ाना है टेक्निकली, ठीक है। देखो कल मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के चार स्टेप समझाए थे, है ना, सिनगेमी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फीमिक्सिस, या उसको क्या बोलते हैं इंटरमिंगलिंग। नोट्स में ऐड कर लेना, उसको क्या बोलते हैं इंटरमिंगलिंग। कल मैंने समझाया था वो तो चार स्टेप थे। अब भाई फर्टिलाइजेशन में कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन सारे प्रोसेसेस को हमें चर्चा करना है। सबसे पहले इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। और मैंने ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि हर इनसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो ही जाए, जरूरी नहीं है, लेकिन हमको फर्टिलाइजेशन पढ़ना है तो इनसेमिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, विदाउट इनसेमिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वो अलग बात है कि हर इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंसेमिनेशन सबसे पहले होना चाहिए, इट इज जस्ट एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ये सिंपल सिंपल क्या है, बारातियों का उस लड़की के गांव में एंट्री मार देना, मतलब वैजाना में एंटर कर गया है पूरा बाराती, इसमें पूरी टोलियां लेके। अब क्या होगा वहां पे, जब गांव में बाराती एंटर कर जाते क्या होता बताए थे ना, खातिरदारी होता है पहले उसका, है ना। तो अब वहां पे सब लोग एक्टिव भी हो जाते हैं, कैपेसिटेशन होगा कहाँ पे, वजाइना में। वहां क्या होगा, सर्विक्स के सिक्रीशन सारे स्पर्म के कोलेस्ट्रॉल लेयर को डिजोल्व करेंगे, और जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनहिबिटरी प्रोटीन थी वो हट जाएगी और काइनेज एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा और स्पर्म अब एक्टिव हो जाएगा। अब स्पर्म एबिलिटी गेन कर लिया है टू फर्टिलाइज द एग मेम्ब्रेन, सो दैट द कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज रिटर्न्ड, दैट मींस कैपेसिटेशन। ये कहाँ हुआ, वजाइना में। अब क्या हुआ, स्पर्म मूव करके आगे बढ़ेंगे, कुछ तो सर्विक्स के एवर बिटाई उठरा में अमर मुड़ा जाएंगे, इधर उधर फंस फूस जाएंगे, उसके बाद कुछ अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे फिलिपेंटुम में, जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, मर जाएंगे वो बाद में। और अब फाइनली कुछ स्पर्म कहाँ पहुंचेंगे, एग के पास, और वो एग स्पर्म का इंतजार कर रही है कहाँ पे, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, मतलब अब दुल्हन के पास बाराती पहुंच चुकी है। लेकिन अब वहां पहुंचने के बाद होता है नखड़ा, नखड़ा किसका होता है, लड़की वाले का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले उस लड़की वाले का पूरा माहौल तैयार करते हैं। पहले दुल्हन को देखो, ये आपकी जो काली वाली मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, ये है एग मेम्ब्रेन, सॉरी सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन, ये वाली, ठीक है। और इसके बाहर ये तो हो गया सेकेंडरी ओसाइट का मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके जस्ट बाहर एक मोटी सी लेयर है जिसका क्या नाम है, ये वाला, क्या नाम है इसका, रिभा, जोना पेलिसोडा। ये सेलुलर लेयर है या असेलुलर लेयर है? असेलुलर लेयर। किस चीज का बना है, मिकोपॉलीसेकेराइड। तो ये असेलुलर मिकोपॉलीसेकेराइड लेयर है। चलो अब होता क्या पता हकीकत में, कि जोना पेलिसोडा और जो उस साइड की मेम्ब्रेन है उसके बीच में स्पेस आ जाता है जब ये फॉर्मेशन हो रहा होता है सेकेंडरी ओसाइट का, तो उसी दौरान थोड़ा सा गैप आ जाता है, स्टार्टिंग में नहीं, प्राइमरी ओसाइट के समय नहीं, सेकेंडरी ओसाइट जब बन रहा होता है तो उस टाइम थोड़ा सा गैप आ जाता है। बोलो मैंने गैप दे दिया, अब तक गैप नहीं दिया था, अब देना स्टार्ट, ठीक है। उस गैप का भी नाम बताएंगे, रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर सेल्स की कुछ लेयर, ये देखो क्या नाम है इसका, इस पूरी लेयर का क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा। लेयर का क्या नाम है, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब इस एक एक करके सबका लेवलिंग कर दें, आ जाओ। सबसे बाहर ये क्या है, दिस इज कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, क्लियर। ये क्या है, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, हैप्लोइड सेकेंडरी ओसाइट है कि नहीं, अरे बोलो सेकेंडरी ओसाइट है कि नहीं, है ये उसका हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा। लो मान लो ये न्यूक्लियस है, सेकेंडरी ओसाइट है, ये तो हैप्लोइड न्यूक्लियस। और ये क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट है कि नहीं, मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट। और उसके बीच में जो एक गैप दिख रहा है ना, ये गैप, ये वाली गैप, ये इसी गैप को कहते हैं प्री वाइटेलाइन
vitelline space, pre vitelline space, किसको? Space between membrane of oocyte and zona pellucida, zona pellucida, ठीक है, बात क्लियर? ये तो स्ट्रक्चर किसका है? उस एग का जो कहाँ रखे हुए एम्पोलरी स्थमस जंक्शन पे। अब स्पर्म तो कई सारे आए, लो कुछ स्पर्म इधर से आए, कुछ स्पर्म इधर से आए, कुछ स्पर्म इधर से भी आए, कुछ स्पर्म इधर से आए, कुछ स्पर्म इधर से आए, क्योंकि पूरा बाराती आया है, उसी में एक दूल्हा भी है, शादी तो एक ही वो का होना है, अंदर तो दुल्हन के अंदर तो एक ही हो जाएगा, लेकिन बाराती तो कई सारे आए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब समझना ध्यान से, क्या होता है ना कि बाराती जितने भी आते हैं सभी बाराती मंडप तक नहीं पहुंचते, पता है कि नहीं बात, सभी बाराती मंडप तक नहीं पहुंचते, सब पहुंचे लड़की के दरवाजे तक, वहां इवेंट वहां तक जहां दुल्हन जिस जगह रखी हुई है, लेकिन मंडप में सभी लोग नहीं घुस पाते हैं, उसके क्लोज क्लोज रिलेटिव भी मंडप में जाते हैं, 10-15 लोग तो होते हैं वहां पर, क्यों? बाकी सब लोग कहाँ गए? बाकी सब लोग खा पी के दौरे सुसाथ गए, उन लोगों के लिए जगह नहीं था मंडप में जाने के लिए। अब आप मेरी समझना, अब आप मेरी बात समझना, एक्चुअल में ये दुल्हन है और उसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो कौन है? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में तीन एरिया होता है, थ्री एरिया, ये देखो, एक यहां से लेके यहां तक एक एरिया, मान लो कि एक एरिया ये है, ठीक है, मान लो कि यहां से लेके यहां तक एक एरिया और एक एरिया ये, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ZP1, इसको कहते हैं ZP2, ऐसे नामांकन दे रहे हैं ZP2, और इसको बोलेंगे फिर ZP3, जोना पेलुसिडा 1, 2, 3 एरिया, ठीक है। अब समझना ध्यान से, ZP1 और ZP2 के पास स्पर्म को पहचानने के लिए रिसेप्टर्स नहीं होते, इसके पास ZP1 और ZP2 के पास, अब जब उसके पास रिसेप्टर्स नहीं है स्पर्म को पहचानने के लिए, तो वहां स्पर्म को कोई पहचानेगा नहीं, स्पर्म अंदर जा ही नहीं सकता, कोई बराती नहीं जा सकता, इवन दूल्हा भी नहीं जा सकता उधर से, ZP1 ZP2 से, यानी कि इन स्पर्म का एंट्री ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ZP1 और ZP2 एरिया से अप्रोच कर दिया एग को और उन पर कोई रिसेप्टर नहीं लगा हुआ, जबकि ZP3 एरिया में कई सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये रहा रिसेप्टर्स, कई सारे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कई सारे घने सारे रिसेप्टर्स, इन रिसेप्टर्स को हम लोग कहते हैं ZP3 रिसेप्टर, क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर। बेसिकली पता है ये क्या है? ये है फर्टिलाइजिन, याद करो बोले थे ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, याद आया, बायोमोलिक्यूल, और स्पर्म के हेड पे लगा होता है एंटी फर्टिलाइजिन, याद आया, और बोले थे ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जब तक आपस में कंपैटिबल नहीं होगा, उन लोगों के बीच में केमिकल रिएक्शंस होंगे और वो दोनों केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड हो गया तब स्पर्म अंदर जाएगा, और अगर वो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, दैट मींस फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म और एग के मैच नहीं किए, इसका मतलब सेम स्पीसीज का वो स्पर्म नहीं है, तो अंदर नहीं जा सकता, समझ रहे हो? और ये रिसेप्टर ZP1 और ZP2 एरिया के पास है ही नहीं, तो वहां से स्पर्म को कोई भाव ही नहीं मिलेगा, इवन दूल्हा भी जाएगा उधर से तो उसको भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए तो इधर तैयारियां की गई है, क्लियर है? अब समझना, ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझना कि जितने भी लोग भाई ये कोरोना रेडिएटा वाले कौन से लेयर है, ये वो लेयर है जो पढ़ाई सालियां हैं, मतलब पढ़ाई मतलब दूर दराज की, रिश्तेदार की, दूर दराज की, तो इसके अंदर तक सब आ सकता है, ब्लू वाले के अंदर तक सब आ सकता है, लेकिन रेड वाले के अंदर केवल वही जाएगा, बताया गया है ना, उसकी अपनी बहन है, उसको बताया गया है कि किसी पर्टिकुलर एक जगह से रास्ता देना दूल्हे को अंदर आने का, और पहले मैचिंग करा लेना, वो उसकी अपनी बहन है, वो तो उस टाइम भी रही होगी जिस टाइम एंगेजमेंट वगैरह हुआ होगा, तो उस टाइम पहचान ली होगी, ये अपने ही लोग हैं, अगर अपने लोग नहीं है तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और अंदर नहीं आने देगी, कौन? जो ना पहले छोड़ा, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर है, लेकिन उसके पास रिसेप्टर किसी खास पर्टिकुलर एरिया में ही है, ठीक है। तो अब मान लो कि ये सारे स्पर्म
इन सब का तो कोई ऐसे भी कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन सब के बारे में मैं वैसे भी कोई बात नहीं करने वाला हूँ, वो सब ऐसे ही वहीं पे मन मुड़ा जाएंगे, ठीक है। अब बात हो रहा है कि इस एरिया में ZP3 एरिया में भी मेरे पास यहाँ पे 3 स्पर्म दिख रहा है, हालांकि कई सारे घनेश आ रहे होंगे, लो और बना देते हैं, घनेश आ रहे होंगे, ठीक है। इतने सारे स्पर्म तो अंदर जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा भाई, तब तो भाई एक ही एग को कई सारे स्पर्म फर्टिलाइज कर देंगे, समझ रहे हो, पॉलीस्पर्मी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो रोको ना, अभी उसको भी रोका जाएगा। अभी क्या है, ये जितने भी स्पर्म है ये सभी स्पर्म पहले इस कोरोना रेडिएटा लेयर को भेद के अंदर जाएंगे, पेनिट्रेट करके अंदर जाएंगे, तभी ना पहुंचेंगे जोना पेलिसुडा के पास। तो अब समझना, अब यहाँ से शुरू होता है नखरा, साली लोगों का नखरा, पैसा मांगने वाला, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है ना, ये स्पर्म लोग क्या करता है, अपने पास कुछ माल पत्थर लेके चलता है, और वो माल पत्थर क्या, सुनना ध्यान से, वो माल पत्थर इसके आगे लगा हुआ एक्रोसोम है। कुछ याद है एक्रोसोम क्या है? अरे लाइसोसोमल एंजाइम जो स्पर्म के किनारे पर भरा होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, याद आया। उस एक्रोसोम में मेनली 3 प्रकार के एंजाइम है, कितने एंजाइम, 3 प्रकार के। एक एंजाइम का नाम है हाइलुरोनिडेज, ठीक है। एक एंजाइम का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और एक एंजाइम का नाम है जोना लाइसिन, क्या नाम है, जोना लाइसिन। अब समझना ध्यान से, यह दस्तकिया नोट, समझ रहे हो, ये क्या है, दस्तकिया नोट, ये क्या है, ये हुआ मान लो आपका 50 नोट, यू मानो, ठीक है, और ये है आपका 2000 नोट, बराती लोग के पास जो होता है, बराती लोग को पता है वहां मांगा जाएगा अलग अलग स्टेप पर पैसा, वो लोग भी पैसा सजा के रख ले। एक तो क्या है हेलुरोनिडेज, एक क्या है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और एक है जोना लाइसिन, सबसे सस्ता वाला नोट है हेलुरोनिडेज। जब यहाँ पहुंचे ये सारे स्पर्म, कौन, 1 2 3 4 5 मेरे डायग्राम में 5, इन सबको पता था जाते ही जोना लाइसिन मत फेंक देना, जाते ही पहले 10 फेंकना। तो ये जो ब्लू वाले सेल्स है ना, इन सब के बीच में इन सबको जोड़ के रखने वाला जो पर्टिकुलर थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो किस कलर सेल है, इस कलर सेल है, ये देखो ये जो ब्लू वाले सेल है, एक सेल और दूसरे सेल कोरोना रिलेटेड है, उसके बीच में कुछ यहाँ पे केमिकल्स होते हैं ऐसे, यहाँ पे भी जो हर सेल्स को जोड़ के रखा हुआ है, एनिमल सेल है सब जोड़ के रखा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एनिमल सीमेंट। और पता है ये कौन सा केमिकल है, इस केमिकल का नाम है हाइलुरोनिक एसिड, क्या नाम है, हेलुरोनिक एसिड, इसको एनिमल सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो हर कोरोना डेटा के हर सेल्स को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये सारा स्पर्म क्या करेगा, आते सबसे पहले क्या रिलीज कर देगा, हाइलुरोनिडेज, क्या रिलीज करेगा, हाइलुरो, नाम से पता चल रहा है, जो हाइलुरोनिक एसिड को गला देगा। तो रिलीज किया, हर किसी ने रिलीज किया, नतीजा क्या हुआ, हाइलुरोनिक एसिड गला। तो मुझे बताओ जब गला, तो अब ये इसका जो यूनिटी था, किसका, ये दूर दराज की जो सालों का यूनिटी था, एकदम घेर के रखे थे रास्ता को, अब इनका यूनिटी पहले टूटेगा, बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अरे बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा ना जी, लो टूटा, यूनिटी टूट गया ना, मतलब उन सब के बीच में जो कनेक्शन थे वो लूज हो गया ना, तो कोरोना रेडिएटा की सेल्स क्या होने लगेगी, लूज होने लगेगी। और मैंने आपको क्या बोला कि ये एबिलिटी ये हर स्पर्म के पास है, तो हर कोई लूजरिंग कर दिया हुआ कोरोना रेडिएटा को, हाँ हर जगह से, क्योंकि ये एबिलिटी सभी के पास है, सभी के पास एक्रोसोमल एंजाइम है भाई, सभी के पास एक्रोसोमल एंजाइम है कि नहीं, तो ये लूजरिंग, तो कोरोना रेडिएटा के सेल्स का लूजरिंग होने लगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट स्टेप भी सबके पास है, सबके पास एबिलिटी है, क्या, अब क्या होगा, मान लो कि इसने, इस वाले स्पर्म ने, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि इस वाले स्पर्म ने यहाँ पे इनके इस सेल का इससे और इस वाले सेल से रिलेशन खत्म करवा दिया, अब ये चाह रहा है कि इस गैप से होके इधर घुसे अंदर, लेकिन ये वाली सेल मना कर रही है, वो अपना एरिया विस्तार कर ली है, अपना एरिया एक्सपेंड कर ली है, तो अब ये क्या करेगा, निकालेगा पतस्तकिया, पतस्तकिया क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, या ऐसा एंजाइम निकालेगा जो इस पर्टिकुलर सेल्स को ही अब गला देगा, मार देगा सेल्स को, गला देगा, डिजॉल्व कर देगा, किल कर देगा वो एंजाइम, समझ रहे हो। पहले तो क्या हुआ,
कोरोना रे डेटा की हर सेल्स में फूट डलवाया, 10 तकिया फेंक के, तो सेल्स फूट फट गए। अब क्या हुआ, जो सेल्स सामने आ रही है, अंदर नहीं जाने दे रही है, उसको गलाएंगे किससे, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाला गल गया, ये वाले कोरोना रे डेटा के ये वाली सेल गल गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ये वाली गल गई। अच्छा मान लो यहाँ पे भी ये वाली गल गई, लो यहाँ पे भी, लेकिन ये वाली ना गल के अंदर कुछ कर नहीं सकती है। बोलो क्यों, क्योंकि अंदर ZP3 रिसेप्टर नहीं है। अरे जब तक रिसेप्टर नहीं है तो गला के कर भी क्या लेगा, कुछ नहीं कर सकता, वो अंदर नहीं जा सकता, मैचिंग नहीं होगा उसका, वहां पर समझ रहे हो। तो अब मान लो कि मैं ZP3 एरिया वाले में बात करूंगा, कि मान लो कि इसने इसको गलाया यहाँ पे भी गला, ठीक है, तो तुम बोलोगे सर इतने हर जगह गल जाएगा तब तो एक से अधिक स्पर्म अंदर चल जाएगा। अरे रुको ना जी, थामो ना, रुको ना। तो देखो अब क्या होगा, ये गला, अब इसके इस सरफेस पर, ये स्पर्म के हेड के सरफेस पर और इस ये ZP3 रिसेप्टर पर जो प्रोटीन है उनका क्या होगा आपस में इंटरेक्शन, उसका क्या होगा आपस में इंटरेक्शन, और इंटरेक्शन के बाद ये पहचान लिया जाएगा कि हाँ ये स्पर्म अपने ही स्पीसीज का है, हाँ ये वही लड़का वाला है जिसको देख के आए थे, इसके लिए शादी फाइनल हुआ था, सालियां पहचान गई, ठीक है। अब ये कौन सालियां है, ये लाल वाली उसकी अपनी बहन है, दुल्हन तो अंदर में है, ये उसकी अपनी बहन है, पहचान ली, उसको पहचानने के लिए यंत्र तंत्र दिया गया है, ठीक है, पहचान ली। अब क्या होगा, अब ये लाल वाली डिमांड कर रही है अंदर तो नहीं जाने देंगे, अब उसका वो तो अपनी बहन है, वो तो ऐसे ही फॉर्म में है, बराती जिस दिन आता है वो तो वैसे ही फॉर्म में रहती है, लगता है जैसे उसी का शादी है, वो तो वैसे ही फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब वो डिमांड कर रही है, पहले तो डिमांड की डायरेक्ट 10,000 चाहिए तब अंदर जाने देंगे, ठीक है। अब दूल्हा बेचारा गरीब आदमी 10,000 कहाँ से देगा, ये तो 2,000 लेके चला है, इवन जितने लोग यहाँ पे आए सब 2,000 लेके आए। अच्छा इसमें से दूल्हा कोई भी बन सकता है, जो सबसे पहले अंदर चल जाएगा वो दूल्हा बन जाएगा, यहाँ ये कंडीशन है, जो सबसे पहले अंदर चल जाएगा वो दूल्हा बन जाएगा, ठीक है। तो सबको ही 2,000 लेके आया हुआ है, सबने अपना 10-15 खर्चा कर दिया, वो दूर दराज की सालियों को दे दिया, सबने यहाँ तक पहुंचा है। अब क्या करेगा, एक कोई सबसे पहला आदमी 2,000 जो निकाल लेगा, सबसे पहले जो निकाल लेगा, वो निकाला, जो सबसे पहले निकालेगा 2,000 वो क्या करेगा, इस लेयर को डिजॉल्व करेगा, जो मान लो इसी ने ही निकाला 2,000 मतलब जोना लाइसिन, नाम से पता चला है जोना लाइसिन, या इसी को बोलते हैं जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जगह पर जोना पैलेसोडा को थोड़ा सा डिजॉल्व करेगा, एक पर्टिकुलर जगह पर। अब तुम बोलोगे सर पता चला जिस टाइम ये 2,000 निकाला उसी टाइम ये निकाला, अरे थोड़ा सा लेट तो लग जाएगा भाई, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जो सबसे पहले एंजाइम रिलीज करेगा वो सबसे पहले रिएक्शन भी कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पे गला रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जोना पैलेसोडा म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी हुई थी उसको गला दिया गया जोना लाइसिन एंजाइम से। अब ये स्पर्म अंदर आया, आ गया अंदर, पूरा कंप्लीट स्पर्म अंदर आया, कहाँ, प्री वाइटेलाइन स्पेस में आया, आ गया। अब ये जब तक अंदर आया तब तक तो ये छेद ही किया था, अभी देखो ना तब तक ये छेद ही कर रहा था या पहुंचा था किनारे छेद करने, लेकिन तब तक ये वाली स्पर्म ने एग की मेम्ब्रेन को टच कर दिया, क्या कर दिया, टच कर दिया। और सुनना ध्यान से, अभी तक जो भी काम हुआ है, अभी तक रुक जाओ, प्री वाइटल स्पेस में पहुंचा है, अभी तक जो भी काम हुआ है उन सब को आप एक साथ क्या बोलोगे, एक्रोसोमल रिएक्शन। अभी हम यही पढ़ा रहे थे, समझ में आया, अभी तक जो कुछ भी हुआ वो क्या हुआ है, एक्रोसोमल रिएक्शन। और एक्रोसोमल रिएक्शन कैसे होता है, पहले हाइलुरोनिडेज ने क्या किया, हाइलुरोनिक एसिड को गलाया तो कोरोना रेडेटा के लेयर लूज हो गए, फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने कोरोना रेडेटा के सेल्स को गला दिया, और तब जाके वो हर स्पर्म ZP3 एरिया वाले एटलीस्ट या फिर सभी जोना पैलेसोडा के पास पहुंचे। अब ZP3 एरिया वाले को एग ने रिकॉग्नाइज कर लिया, और अब स्पर्म ने जोना लाइसिन रिलीज किया, और जोना पैलेसोडा को एक स्पर्म ने डिजॉल्व करके एंट्री मारा प्री वाइटेलिन स्पेस में एंट्री मार दिया। और अब क्या हो जाएगा, अब एक्रोसोमल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद होता है वो चारों स्टेप जो आप कल पढ़े थे, तीन गेम, अब होगा तीन गेम, उस साइड तो यहाँ पे है, अब दूल्हा, अब यही दूल्हा बनने वाला है ये,
अब ये दूल्हा पहुंच गया दुल्हन के करीब, तो सबसे पहले इन दोनों का फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन सीन गेमी। और मैंने कहा था जैसे ही होगा सीन गेमी, म्यूसिस टू कंप्लीट सीन गेमी हुआ, म्यूसिस टू कंप्लीट। अभी यहां तक जो एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, यहां तक अभी सीन गेमी वगैरह नहीं हुआ, अब हुआ सीन गेमी और म्यूसिस टू कंप्लीट। सुनना, म्यूसिस टू कंप्लीट कैसे होता है? देखो एक्चुअल में क्या है ना कि ये स्पर्म जब यहाँ पे टच करता है ना इस एग की मेम्ब्रेन को, तो कई सारे चेंजेज आता है भाई। मैं आपको बताऊं, ह्यूमन का स्पर्म इतना एडवांस है ना कि ये एग मेम्ब्रेन को टच करते ही, ये सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन को टच करते ही कई सारे चेंजेस करवा देता है इस सेकेंडरी ओसाइट में। मैं बताऊं आपको क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहला, ये इस मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन करा देता है। बोलोगे हैं डीपोलराइजेशन करा के क्या फायदा सर? ना ना, अगर डीपोलराइजेशन होगा ना तो इसके चारों ओर करंट बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना जी। अरे बोलो, इसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, बोलो आ जाएगा ना। एग मेम्ब्रेन के चारों ओर करंट बनवा दिया। अब मुझे बताओ, ये करंट यहाँ पे अगर रहेगा तो ये सारे स्पर्म जो इधर आए हुए हैं इन सबको झटका लगेगा नहीं लगेगा? जो अंदर आने के प्रयास कर रहे हैं ये सब भागेंगे बाहर, ये सब भाग जाएंगे। इवन ये सब भी भाग जाएंगे जो इधर उधर है, सब भाग जाएंगे। तो बताओ, एक से अधिक स्पर्म अंदर जाना रुक गया कि नहीं रुक गया? कैसे? ये स्पर्म जैसे सेकेंडरी ओसाइट के मेम्ब्रेन को टच किया उसमें डीपोलराइजेशन हो गया, टच करते डीपोलराइजेशन हो गया। ये सब आप हायर क्लास में पढ़ोगे क्या क्या चेंजेस आए थे डीपोलराइजेशन हुआ, डीपोलराइजेशन। तो ये बताओ, ये फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है कि नहीं? फास्ट ब्लॉक मतलब तुरंत से रोका गया पॉलीस्पर्मी को, एक तो ये। दूसरा, मैंने आपको कहा था ना इसके अंदर क्या बिखरे पड़े थे, याद आ रहा है? अरे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो सेकेंडरी ओसाइट की गोल्जी बॉडी ने बनाया था, याद आया? तो जैसे ही स्पर्म ने सेकेंडरी ओसाइट के मेम्ब्रेन को टच किया, ये सारे के सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ इस एग के बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं और यहाँ पे आके एक लेयर बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक लेयर बना लेते हैं। और इस लेयर को अब हम कहते हैं एकदम टफ लेयर, एकदम टफ हार्ड लेयर बन जाता है। इसको अब हम कहने लगते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या कहने लगते हैं? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब बताओ इससे क्या होगा, ये जो सेकेंडरी ओसाइट की मेम्ब्रेन है ये पूरी टफ हो जाएगी। तो अब अगर कोई स्पर्म जोना पैलिसुडा को क्रॉस करके बाय चांस प्रीवाइटेलियन स्पेस में आ भी गया तो वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि नाउ सेकेंडरी ओसाइट मेम्ब्रेन बिकम्स वेरी हार्ड एंड टफ, अंदर नहीं जा सकता। लेकिन बताओ, ये तो प्रोटीन जो थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के बने हुए उसको अरेंज होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये भी रोकेगा पॉलीस्पर्मी को। लेकिन इसको बोलोगे स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। यानी कि ह्यूमन में दो टाइप का मेथड है पॉलीस्पर्मी को रोकने का, एक तो फास्ट ब्लॉक और एक स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। और स्लो ब्लॉक में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स टू फॉर्म द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। बोलो बात क्लियर है? तो एक तो ये चेंजेस आया किसके? स्पर्म के टच होने से। भाई भाई चेंजेस तो कई सारे आते हैं, ठीक है? जैसे ये टच करता है ना इसको सेकेंडरी साइट को, तो साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं जो पहले से इसमें बने रखे हुए। और पता है वो एंजाइम क्या करता है? ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना इनको टुकड़ों में तोड़ देता है, इसको टुकड़ों में तोड़ देता है न्यूक्लियस को। हाँ, न्यूक्लियस को तोड़, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोमियर, टुकड़ों को तोड़ देता है। किसके? फीमेल के न्यूक्लियस को, हैप्लॉइड न्यूक्लियस को तोड़ दिया। और एक काम किया, ये जैसे ही टच किया तो इसका जो खुद का अपना सेंट्रियोल था सेकेंडरी साइड का, उस सेंट्रियोल को गला दिया गया, उस सेंट्रियोल को गला दिया गया। भाई देखो कितने चेंजेस करा रहा है, उस सेंट्रियोल को गला दिया गया। और गला के जैसे ही ये आया तो ये अपना सेंट्रियोल इसमें अरेंज किया। कौन? ये स्पर्म अपना सेंट्रियोल इधर और इधर अरेंज किया और तुरंत मियोसिस टू कंप्लीट करवाया, क्योंकि सेंट्रियोल अरेंज होगा तब ना मियोसिस होगा, इसलिए तो सेल डिवीजन पहले पढ़ा है। अपना सेंट्रियोल अरेंज करा के मियोसिस टू कंप्लीट कराया और अब ये सेकेंडरी ओसाइट नहीं रही, ये क्या बन गई? ओवम। ये क्या बन गई? ओवम। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस तो टुकड़ों में है। अरे टुकड़ा होने के बाद फिर वो अरेंज भी हो जाता है, जब मियोसिस टू करना होता है ना फिर वो दोबारा रीअरेंज हो जाता है। अब टुकड़ा क्यों हुआ, क्यों दोबारा रीअरेंज हुआ, ये सब आप पढ़ोगे आगे, चिंता मत करो, अभी आपसे कोई पूछने वाला नहीं। ओवम बना और अंदर ही अंदर सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, लेकिन वो क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाया? ओवम। रुको, अभी तक स्पर्म अंदर नहीं आया, अभी तक उसका केवल क्या आया? सेंट्रियोल। अभी स्पर्म अंदर नहीं आया, अभी तक ओवम और ये हैप्लॉइड है।
क्लियर, अभी तक ही हैप्लॉइड। अब क्या होगा, एंटायर स्पर्म अंदर आ जाएगा और उसमें क्या क्या है, अरे स्पर्म है क्या, साइटोप्लाज्म तो ना क्या बराबर है, सेंट्रल तो उसका आ ही गया सही, वन पेयर सेंट्रल था ना स्पर्म के स्ट्रक्चर में, याद करो वो तो आ ही गया, डिस्टल भी आ गया प्रॉक्सिमल भी आ गया, अब वो सेंट्रल एज इट इज रखा रहेगा, उसका आगे काम आएगा, रुक जाओ। और बाकी क्या होने वाला है, न्यूक्लियस मेल का न्यूक्लियस ये रहा, वो भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये फीमेल का, ये फीमेल का न्यूक्लियस और ये मेल का न्यूक्लियस है, जहाँ सेंटर के ये रहा ये मेल का न्यूक्लियस है और ये फीमेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। बाकी अब स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया का कोई जरूरत भी नहीं है, जो एनर्जी चाहिए ओवम की माइटोकॉन्ड्रिया संभाल लेगी मामला। अब क्या होने वाला भैया, अब क्या होगा, ये वाला न्यूक्लियस, अरे भाई हेलो मुबारक हो, प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हो गया, हेलो प्लाज्मोगेमी कंप्लीटेड, नाउ अब क्या होगा बोलो, कैरियोगेमी क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स पाथ डिसाइडेड होता है साइटोप्लाज्म में। आप ये सब चीज हाई क्लासेस में पढ़ोगे, हम लोगों ने भी पढ़ा है, बड़ा मजा आया था पढ़ने में, ठीक है। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ना एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू एक पाथ, फिक्स पाथ होता है, और वो फिक्स पाथ के तहत ये फीमेल का न्यूक्लियस और ये मेल का न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब आता है, और इस पाथ को कहते हैं फर्टिलाइजेशन पाथ के, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथ के, और तब दोनों आके दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। अगर न्यूक्लियस डिप्लॉइड हो गया तो अब सेल भी क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। बोलो नाउ कैरियोगेमी कंप्लीटेड, अब उसके क्रोमोजोम आपस में अरेंज हो जाते हैं, जोड़ा बन जाते हैं, नाउ इंटरमिक्सिस और इंटरमिंगलिंग या एम्फीमिक्सिस कंप्लीटेड, फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड। बोलो कितना मजा आया पढ़ने में, है ना जोरदार टॉपिक, बोलो। अच्छा इसमें एक चीज आपको नहीं बताया, देखो जब ये स्पर्म एग मेम्ब्रेन को टच किया तो कई सारे चेंजेस आए, तो जो स्पर्म अंदर आए ना, अंदर बड़ा अच्छे तरीके से आता है, अरे दुल्हन है उसकी, अब तो वो तो ये अपना घूंघट ऐसे निकालती है इसको अंदर लाने के लिए, घूंघट मींस ये अपने मेम्ब्रेन को बाहर निकालती है ऐसे, और एक कोन बनाती है लाइक दिस, इस टाइप से एक कोन बनाती है, ऐसे कोन बनाती है, और उस कोन को ऐसे बाहर की तरफ इन्वेजन मतलब कि ऐसे फैलाती है कि धीरे धीरे ये स्पर्म अंदर चला जाता है। That means यहाँ स्पर्म अंदर जा रहा है by the process of phagocytosis, याद है phagocytosis lysosome में पढ़ाए थे ना, phagocytosis endocytosis हो गया उसका, अंदर ले लिए गए पूरी की पूरी स्पर्म को, और अंदर जाने के बाद प्लाज्मोगेमी देन कैरियोगेमी देन इंटरमिक्सिस मतलब इंटर मतलब कि इंटरमिंगलिंग मतलब एम्फीमिक्सिस, और जाकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ। बोलो तो ये देखो इसके बाद जो हुआ, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी दो तरीके से, फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक डीपोलराइजेशन स्लो ब्लॉक कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना के, फिर उसके बाद रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन और रिसेप्शन, अच्छा ये बात जैसे ही हुआ तो यहीं पे क्या हो गया सिनगेमी, रिसेप्शन कॉन फॉर्मेशन के बाद क्या हो गया प्लाज्मोगेमी, देन इसके बाद क्या हो गया कैरियोगेमी, नहीं कैरियोगेमी इसके बाद नहीं, पहले फर्टिलाइजेशन पाथवे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैरियोगेमी और एम्फीमिक्सिस एंटर मिल गए। बोलो ये था आपका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बोलो कोई डाउट है फर्टिलाइजेशन में, रिभा सर जब डीपोलराइजेशन हुआ तो ओसाइट का मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव में हो जाएगा, बाहर से, अच्छा हाँ एक मिनट गया, हाँ ठीक है नेगेटिव हो जाएगा, तो भाई वोल्टेज डिफरेंस करंट तो बनेगा ना यहाँ, लो ठीक है, और कुछ करंट तो बनेगा ना, उस करंट से झटका लगेगा बाकी स्पर्म को, वो पीछे की तरफ फेंका जाएगा, और बोलो और कोई डाउट है, प्रतीक एनी डाउट, नो सर। इसको मैंने कहानी के फॉर्म में सुनाया, आप भी कहानी के फॉर्म में एक दो बार याद करना, याद हो जाएगा, बाराती वाली कहानी से याद करना, ठीक है। हिंदू धर्म में ऐसे ही शादी होता है, ऐसे ही नखरा चलता है, दूर दराज के सालियां भी पैसा जीतती है और उसकी करीबी बहन तो पैसा झिटती ही झिटती है, इसलिए बराती भी होशियार होता है, वो भी दो तीन तरह का नोट लेके जाता है, उसको पता है कहाँ कैसा नोट देना ताकि काम बनेगा, ठीक है, तो वो भी दो तीन तरीके का नोट लेके जाता है। तो इस नोट का नाम भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, सिक्वेंस में पूछा जाता है कि पहले कौन से एंजाइम एक्टिव होंगे, कौन से एंजाइम एक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने पूरा कहानी के फॉर्म में आपको सुनाया है, अगर आपको पल्ले ना पड़ा हो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, अब आप देखो आपके नोट्स में फर्टिलाइजेशन के बारे में सब कुछ लिखा है, खुला हुआ है,
ये देखो फर्टिलाइजेशन लिखा है, सारा बात लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ एडिशंस अगर करना है तो मैं करके भेज दूंगा अभी, ठीक है। देखो सारा बात लिखा हुआ है, सब कुछ सिक्वेंस में लिखा हुआ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर कुछ एडिशन करना होगा तो अभी हम एक बार चेक कर लेंगे, एडिशन करके भेज देंगे, ठीक है। लम लास्ट तक लिखा है ना, देखो मेल में कंप्लीट स्पर्म अंदर जाता है, पूरा स्पर्म लिखा, फाइनली जाके फर्टिलाइजेशन पाथवे के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बस नीट लेवल का पढ़ाया, बाकी फर्टिलाइजेशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, आप आगे पढ़ोगे मेडिकल साइंस में, आप कुछ भी पढ़ो, बीएससी करो, एमएससी करो, एमबीबीएस करो, बीडीएस करो, बीएमएस करो, कुछ भी करो, आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। नाउ अब क्या होगा, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस क्या है, चेंजेस ये हुआ कि जो एक हैप्लोइड सेल स्पर्म और हैप्लोइड सेल ओवम हुआ करती थी लास्टली तक, अब इन दोनों के फ्यूजन के बाद एक डिप्लोइड सेल बन गया, और अब उसको हम क्या बोलने लगते हैं, जायगोट। क्या बोलने लगते हैं, जायगोट। और पता है ये जायगोट ना अदर सेल्स के तुलना में बहुत बड़ी सेल होती है, बहुत बड़ी सेल, बहुत बड़ी सेल। मैं आपको बताऊं इतनी बड़ी सेल होती है कि इसकी साइटोप्लाज्म लगभग 5.5 गुना ज्यादा अमाउंट में रहती है नॉर्मल सेल के तुलना में, इतनी बड़ी सेल होती है। अब भाई होगा भी सही यार, दो सेल के फ्यूजन से एक सेल बना है, आप सोचो ना, दो सेल के फ्यूजन से एक सेल बना है तो होगा भी सही। दूसरा बात कि वो जो सेकेंडरी ओसाइट है वो याद करो जब मियोसिस टू कंप्लीट कर रही थी तो अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बोलो। मियोसिस वन में भी अनइक्वल हुआ हुआ, और मियोसिस टू में भी अनइक्वल ही हुआ ना, तब ना पोलर बॉडी बना तो डीजनरेट किया, तो इतना सारा जो साइटोप्लाज्म अनइक्वली दे दिया गया उस साइट को, तो जाहिर सी बात है भाई सेल तो बहुत बड़ी बन गई, इवन उस साइट इतनी बड़ी बन गई, फिर स्पर्म भी आके मिक्स हुआ उसमें। अब ये जायगोट इतनी बड़ी सेल बन गई कि उसके अंदर का एक न्यूक्लियस सिंगल सेल, अब कहेगा जायगोट एक सिंगल सेल है, पहले स्पर्म ओवम भी सिंगल सिंगल सेल था लेकिन वो हैप्लोइड था, अब जायगोट भी सिंगल सेल है लेकिन ये डिप्लोइड सिंगल सेल है। अब क्या होगा, ये जायगोट इतनी बड़ी सेल है, इतनी बड़ी सेल है कि इसका एक सिंगल न्यूक्लियस पूरी साइटोप्लाज्म को रेगुलेट नहीं कर पाएगा, पता है क्यों, इसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, सेल में पढ़ाए थे ना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, याद आया कुछ, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका बहुत डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा पड़ जा रहा है और साइटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है, तो कुल मिला के कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बहुत कम पड़ जा रहा है, कितना कम पता है, 550 गुना कम नॉर्मल सेल के तुलना में। अब बताओ क्या उतना छोटा सा न्यूक्लियस इतने बड़े से सेल को रेगुलेट कर पाएगा, संभव ही नहीं है ना, बोलो। तो क्या करें, साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दें, तो केवल साइटोप्लाज्म का बंटवारा करने से तो नहीं होगा, अगर आप साइटोप्लाज्म का बंटवारा करोगे तो हर सेल को एक एक न्यूक्लियस की तो देना पड़ेगा, तो कुल मिला के अब ऐसा डिवीजन करेंगे जिसमें हमें केवल और केवल न्यूक्लियस डिवाइड कराना है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं कराना, मतलब साइटोप्लाज्म नया नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है नया, अरे भैया पुराने साइटोप्लाज्म इतने इसलिए तो डिवीजन करा रहे हैं बंटवारा करने के लिए, समझ रहे हो, हम नया साइटोप्लाज्म क्यों बनाए, बोलो। तो हमें केवल न्यूक्लियस का बंटवारा करना, वो भी बराबरी तरीके से, मतलब अब होगा क्लीवेज। हमारे पास समय कितना है, क्या हम क्लीवेज को भी ले सकते हैं, समय है हमारे पास 40 मिनट है, अगले मीटिंग में आराम से ले सकते हैं, और अगले मीटिंग में इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा क्लीवेज का, अगले मीटिंग में आप क्लीवेज पढ़ेंगे, तब तक इतना पढ़ लो नोटबुक से।